साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे किसकी, सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ में सॉल्यूशन एक चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर या यूनिट कहें तो सेकंड यूनिट है, उस यूनिट की हम बात करते हैं। हमारा जो आज का हेडिंग है वो है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होता क्या है उसकी तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन दो अलग अलग सब्सटेंस, जिसे पहला सब्सटेंस सॉल्यूट और सेकंड सब्सटेंस जो होता है सॉल्वेंट, इनसे मिलकर बना होता है। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर जो बना होता है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। अब यदि हम कहें कि जो लेस क्वांटिटी में हो, यानी मिनट क्वांटिटी में, जो लेस क्वांटिटी में हो उसे कहेंगे सॉल्यूट, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में हो उसे कहा जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम किस बेसिस पर बांट सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास में कोई सुगर सॉल्यूशन है, सुगर तो हमारे लिए क्या हो गया सॉल्यूट, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो गए सॉल्वेंट। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यदि हम कहें टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब हम क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसके बेसिस पर बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला हमारा पॉइंट हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे लिए सॉल्यूट, थर्ड पॉइंट हमारे लिए हो गया सॉल्वेंट, और सबसे लास्ट पॉइंट हमारे लिए हो गया इसका एग्जांपल। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने कहा गैस सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या बात हुई गैस सॉल्यूशन। अब गैस सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, तो यहां पर पहले सॉल्वेंट गैस होगा, ठीक है, तो तीनों बार क्या हो गया गैस हो, एक बार गैस ने गैस मिला दिया, दूसरी बार गैस ने लिक्विड को मिला दिया, और तीसरी बार गैस ने सॉलिड को मिला दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बेसिस पर डिसाइड हो रहा है, तो वो डिसाइड हो रहा है सॉल्वेंट के बेसिस पर। अब बात करते हैं एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करें यहां पर, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारे लिए एयर। एयर क्या हो गया, गैस और गैस का मिश्रण, यानी हम बात करते हैं एयर यानी कि हवा, उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें मिक्स रहती है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो गई वहां पर गैस हो गई। अगला है लिक्विड और गैस, तो हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन, हमने लिख दिया क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन, ये हो गया थर्ड कंडीशन। सॉलिड और गैस की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड गैस में क्या हो सकता है स्मॉग, क्या एग्जांपल हो गया इसका, इसका एग्जांपल हो गया स्मॉग। अब आगे बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, हमारा क्या है नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट लिक्विड हो गया, तो सॉल्वेंट हर बार क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि उसमें सॉल्यूट क्या होगा, तो पहली बार सॉल्यूट हो जाएगा गैस, अगली बार लिक्विड हो गया, और अगली बार सॉलिड हो गया, क्लियर। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम यहां पर बात कर सकते हैं पहला गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हम बात करें कोल्ड ड्रिंक, इसकी बात कर लेता
कोल्ड ड्रिंक। तो हम इसको लिख देते हैं CO2 इन वॉटर, पहला होगा। दूसरा इथेनॉल डिजोल्व, अब दोनों लिक्विड लिक्विड है, तो हमने लिख दिया C2H5OH इन H2O। तीसरा सॉलिड लिक्विड, ठीक है, तो हमने सॉलिड लिक्विड में क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज डिजोल्व इन वॉटर, तो C6H12O6 इन वॉटर। क्लियर। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड होता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉलिड होगा। क्लियर। तो हमने क्या लिख लिया, सॉलिड लिख लिया। अब क्या हो गया, सॉलिड में गैस, सॉलिड में लिक्विड और सॉलिड में सॉलिड। तो पहला गैस और सॉलिड जब आपस में मिला देते हैं, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। क्लियर। थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होगी, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। हम लिख सकते हैं मरकरी विद सोडियम। और लास्ट में क्या हो गया, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड यानी अलॉय। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। तो हमने क्या देख लिया, ये सॉल्यूशन देख लिया हमारा था। सॉल्यूशन है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ मैटर्स। क्लियर है। ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया इसका। अब आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलते हैं, चलो आगे बात करते हैं हम लोग एक और टाइप का सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन की बात करते हैं, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन के बेसिस पर। तो हम बात करें कि मेनी टाइम्स द सॉल्यूशन आर named on the basis of quantity of solute or present in a solution, this is only the qualitative or comparatively classification and does not have defined quantity limits. Solution are classified on the basis of concentration. Solution को हमने किसके basis पर classify कर रहे हैं, concentration के basis पर। तो सबसे पहला solution होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखा हमने, लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। दूसरा होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर सॉलिड। अब डाइल्यूट में क्या होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। जैसे कि हमने कहा 10 ग्राम शुगर, ठीक है, डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। तो इसी कंडीशन में क्या हो गया, यहां पर जो सॉल्यूट है वो 10 ग्राम है, शुगर 10 ग्राम होगी, तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट। कंसंट्रेट, हम ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व 100 ग्राम वाटर, क्लियर, 100 ग्राम वाटर, ये क्या हो गया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक फिक्स्ड कंडीशन तक सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता रहे। अब बात करते हैं क्या, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कि द सॉल्यूशन इन विच, द सॉल्यूशन
इन विच नो मोर सोल्यूट डिजोल्व, जिसमें और अधिक सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता। कब? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर की बात हो गई। क्लियर है? अब बात करते हो फोर्थ पॉइंट, वो हो जाएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? द सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, इसमें क्या होगा? द सॉल्यूशन इन विच मोर, नो मोर में क्या हो जाएगा? मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, और अधिक क्वांटिटी में क्या डिसॉल्व हो जाएगा? सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जब और अधिक क्वांटिटी में सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको ये कहा जा सकता है कि वो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। लास्ट एक और आता है फिफ्थ, वो आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अनस्टेबल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन which contain more amount of solute than saturated solution is called super saturated solution. Clear है? So the excess of solute crystallized back on the cooling. हम क्या करते हैं सुपर सेचुरेटेड में, कि और अधिक क्वांटिटी में सोल्यूट डिजोल्व हो जाएगा, किंतु जब उसको ठंडा कर दे जाएंगे ना तो वापस हमें वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सोल्यूट मिलता जाएगा। क्लियर है? तो ये तो बात हमारी क्या होगी, सोल्यूशन की होगी। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं, तो हमने कहा दो अलग अलग बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को स्टडी किया। अब कुछ मेथड की बात करते हैं, उन मेथड को हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ मेथड की बात पढ़ेंगे और उन मेथड्स को हम लोग समझेंगे कि इनको कैसे देखा जा सकता है और कैसे पढ़ा जा सकता है। देखो अब जो सॉल्यूशन होते हैं वो अलग अलग टाइप के भी होते हैं, उन सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो होता है वह सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है और गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर है? तो टाइप्स की बात करें तो सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तीन टाइप के यहां पर हो सकते हैं। क्लियर? कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं? तीन टाइप के सॉल्यूशन हो सकता है। चलो अब आगे बात करते हैं, जो तीन अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन को यदि हम सिस्टमेटिक पढ़ें तो उसके लिए बात आएगी। हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है, हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो है हेनरी लॉ। कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी इन गैस इन लिक्विड, उसको हम पढ़ते हैं। अब देखो हम कह रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी भी गैस के अंदर क्या बात हो रही, किसी भी गैस के अंदर जो लिक्विड होगा वो किस तरीके से उनको फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसकी तरफ हम लोग अब चलते हैं। क्लियर है? तो हम बात करते हैं हमारे टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग of solubility, ठीक है, of a gas in liquid, ठीक। अब हम it is depend on the following factor, क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला है nature of gas and solvent, पहला नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब गैस का नेचर क्या और सॉल्वेंट का नेचर क्या, उसकी तरफ चलते हैं। पहला पढ़ना कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैस इन द सेम सॉल्यूशन वर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। अब हम ये कह रहे हैं कि कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसकी बात करते हैं। हम दो टाइप की गैस है, पहली गैस है हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये हमने कुछ गैस है,
और एक और देखते हैं तो हमने ले ली ऑक्सीजन गैस। अलग गैस लेते हैं, हमने एक गैस ली NH3 SO2 CO2 और S3। हमने दो अलग अलग तरीके कैसे लिए। हम ये कह रहे हैं कि जो पहली वाली जो गैस है, ये जो गैस होती है, ये गैस यानी ये गैस इजीली लिक्विडिफिकेशन नहीं हो सकती, किंतु ये जो गैसें होती है ये इजीली लिक्विडिफिकेशन हो सकती है, यानी आसानी से क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक गैस इन वॉटर इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस विद वॉटर। ये क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है। कैसे करती है, उसकी तरफ चलते हैं। जैसे हमने लिखा NH3 प्लस H2O क्या बना लेगी, NH4OH। क्लियर, तो ये कैसे क्या होती है, इजीली क्या कर सकती है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। तो देयरफॉर मोस्ट सॉल्युबल गैस आर दोज व्हिच केमिकली रिएक्ट विद लिक्विड विद सॉल्वेंट। जो गैसे जल्दी से लिक्विफिकेशन हो सकती है, आसानी से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, वो गैसे क्या करेगी, वो गैसे इजीली वाटर से रिएक्शन कर लेती है। इस CO2 रिएक्शन लिखे हम लोग, तो हमने लिखा CO2 प्लस H2O क्या हो जाएगा, H2CO3। क्लियर है ना। तो ऐसी गैसे, तो पहली बात होगी हमारी कौन सी गैसे, तो ऐसी गैसे जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली रिएक्शन कर ले, वो रिएक्शन जब इजीली कर लेगी तो वो इजीली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने बात की नेचुरल गैस एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर गैस क्या होना चाहिए, जो इजीली वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर ले। ठीक है, अगला जो फैक्टर अफेक्टिंग है, सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग वाटर ऑफ गैसेस लिक्विड इज एक्सोथर्मी। जब किसी गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मी। तो हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही, कम हो रही। तो गैस की सॉल्युबिलिटी देखो, हम रिएक्शन देखते हैं, गैस प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन बनेगा तो ये क्या रिलीज कर रहा है, ये यहां से हीट रिलीज कर रहा है, तो डेल एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर ना, तो हम क्या करें, किसी भी गैस में जब हम किसी गैस में कोई किसी गैस को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रखा है और यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे हम बात करें सोडा वाटर की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, उसको चिल्ड क्यों किया जाता है, तो चिल्ड इसलिए करते हैं कि जितनी ज़्यादा चिल्ड रहेगी और उसका जैसे हम ढक्कन ओपन करेंगे तो CO2 गैस उतनी फास्ट बाहर निकलेगी। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगला है पॉइंट प्रेशर। अब प्रेशर में क्या होगा, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, उसमें किसी गैस को डिसॉल्व करना तो क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने में क्या होगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बात करें एक अच्छे से पॉइंट के इसके बाद, पॉइंट क्या उसकी तरफ चलते हैं। तो द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। एक बार डेफिनेशन सुनो फिर मैं समझाता हूं इसको। द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। यानी कि किसी भी गैस को जब हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर तो वो उसके प्रेशर के प्रपोर्शनली होगी। क्या है, द मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रेशर।
प्रेशर ऑफ द गैस। हम लिखना चाहें तो लिख सकते एम इक्वल टू के एच पी, लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। एम है मास ऑफ गैस, पी है प्रेशर ऑफ द गैस, एच एन हेनरी क्या है कॉन्स्टेंट, तो हेनरी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो एम क्या हो गया मास ऑफ द गैस, पी क्या हो गया प्रेशर ऑफ द गैस, एच एन हेनरी कॉन्स्टेंट। बात करते हैं हेनरी ने क्या कहा था उसकी तरफ चलते हैं। तो द सोल्यूबिलिटी डेफिनेशन आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। द सोल्यूबिलिटी ऑफ वेरियस गैस इन द मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियली प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल गैस। अब क्या करता हूं देखो, मैंने जब इंडिविजुअल गैस की बात कर रहा हूं तो मेरे पास में कोई गैस है पीए, इसके मोल फ्रैक्शन होंगे एक्स ए, क्लियर है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं पीए इक्वल टू के एच एक्स ए के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, क्लियर है? केज क्या हो गया हेनरी कांस्टेंट। पर यदि मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैंने ग्राफ प्लॉट किया इसके पी ए और एक्स ए के बीच, पी ए क्या है प्रेशर ऑफ द गैस, एक्स ए क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, तो यहां मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा के एच। तो ये क्या है हेनरी कांस्टेंट, क्लियर है? तो हेनरी ने कहा था कि मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर, क्लियर है? तो ये बात हमारी किसकी हुई हेनरी लॉ की हुई, ठीक। अब हेनरी कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ गैस का फंक्शन होता है। अब ये कहां एप्लीकेबल होगा तो इन एक्सचेंज ऑफ द गैस इन द ब्लड इन डीप सी ड्राइवर्स एट हाई एल्टीट्यूड्स और एक्वेटिक लाइफ, ये इसके कुछ एप्लीकेशंस है, क्लियर है? इसके बाद में सॉल्यूशन का अगला वीडियो मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। धन्यवाद दोस्तों।